संताली वाला जिहड़ा वाकया होया ना वो जो कुछ होया है मतलब जे जिस बंदे दे विच दिल है ना वो नहीं बयान कर सकता ना वो फिल्म नू को वेख सकता है। इन्नी खतरनाक फिल्म थी जो कुछ कतलो गारत या जिस तरह होया मेरी नज़र सामने भी बड़ा कुछ होया अल्लाह ताला माफ करे पता नहीं वो किस किस वजह तो लितर सानू पाए सारिया करन इस वजह वास्ते मैं वो बयान नहीं कर सकता। मैं सारे लग वास्ते आ रहे सन सच्चे सौदे उन्होंने साम के कर लिया है उस तो सच्चे सौदे उठ के तो सानू पेंदे सन इस तो साढ़े पेंदे सन तो उन्होंने बीबी बंद मार छड़दे सन बहरहाल भी कम बहुत ही औखा वक्त सी। अल्लाह ताला ने हुण तक भी मेरा मतलब मैं अपनी गल करना मैनू अल्लाह ताला दा इन्ने फजल है मैं वो बयान ही नहीं कर सकता ते बतेरी पनाह दिती है जिन्हें कोई योगे सा सी हाँ जी कुछ उन्होंने मदद की जिन्ना चिर वो सेब उन्होंने सही नहीं बनया असी उन्होंने नाल मतलब सैट सफाई साड़ी ठीक ही रही है। मेरा नाम है गुलाम मीरा वर्द मियाँ अरा बख्श जट सुरा सकना लवेरे कला जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान बनया मैं अंदाजे नाल 18-20 साल के लगभग था मैं सिख मेरे बड़े यार सन मैं रल के उन्होंने कौड़ी खेडता सा लेकिन जिते मंदिर सारा फिल्म मैं वेखी अपन अखा नाल वो फिल्म इन्नी क्यों खलक हूँ मेरे ख्याल 102 साल या 3 साल है। लियाकत अली खां उन्होंने मैं अपन अखा नाल वेख्या उसके पुत्र नूह सी जर्मनी की उन्होंने मैं नानक कोट रकबा बांध्या आप वेख्या जेड़ा हूँ मुगल ने खोरे के को रहा ने को बैठे उस काले काले जड़े ने उन्होंने रकबा सारा फिर मेरे वेखड़े च 333 तो लैके 500 रुपए तक किला मूल सिंह ये सारा रकबा मेरे वेखने बह हुआ है। दुकान 30-40-50 साल करता रहा लेकिन किसी बंदे दा कोई बंदा मेरे को कारण के पैसे नहीं सी मांगता मैं लोगों को पैसे दे के तो रात को सौंदा सा यानी मसला ये वे अल्लाह ताला फरमाते ने रात को सोने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग शायद तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। मैं मतलब बुद्ध तो लैके ऐसे रात को सौन लग्या अपने वास्ते भी तो मैं ना जिहड़ा यार ला छोटे छोटे सी गुनाहगार हाँ सानू अपने नबी दे सदके नबी दी आल दे सदके नबी दी औलाद सदके तमाम नेकां दे सदके सानू छोटिया छोटिया वड्डिया नाल तू निबड़दा फरी क्योंकि उन्ने योगे से असी नहीं। نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا آيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام